Arvind Oja is joining us live from outside that residence in Chhatarpur, from outside Aftab's friend Badri's house, which he had left in May. Arvind, क्या दिल्ली पुलिस का अभी ये संदेह है कि शायद अफताब के दोस्त भी मदद किया इस मर्डर में? नहीं, देखिए बद्री इस पूरे केस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है अक्षिता, इसलिए क्योंकि बद्री से ही आफ्ताब हिमाचल प्रदेश में मिलता है और उसके बाद बद्री के साथ आफ्ताब और श्रद्धा आते हैं। पहले हम आपको ये दिखाते हैं, ये फ्लैट देखिए आप, इसी फ्लैट में बद्री रहता था और जो लैंडलॉर्ड है उसने बताया कि मई के महीने में, 6-7 महीने पहले, यानी वो मई मंथ रहा होगा जब उसने ये फ्लैट जो किराए का था बद्री का, इसको इस फ्लैट को खाली कर दिया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, ये फ्लैट देखिए और फ्लैट से जरा आप जंगल दिखाइए, ये जंगल देखिए, बिना जूम की हमारे कैमरे से जंगल सामने ये दिखाई दे रहा है। ये छतरपुर का वही फॉरेस्ट इलाका है जहां पर जो दिल्ली पुलिस है उसको, दिल्ली पुलिस को श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मिले थे। ये वो फ्लैट है, इंडिया टुडे की टीम वो सबसे पहले इस जगह पर पहुंची है और ये काफी चौंकाने वाला है। और आफ्ताब को जब अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने तो इस फ्लैट पे लेकर आई थी, तो क्या इस फ्लैट में जब आफ्ताब आया था बद्री से मिलने तो वहीं से ये आइडिया आया कि सामने जो जंगल है, सामने की तरफ जंगल दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर बॉडी के टुकड़े फेंकने हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या बद्री को यह जानकारी मिल गई थी कि आफ्ताब ने मर्डर किया और इस वजह से उसने अचानक फ्लैट खाली किया? जो इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बताया कि मई के आसपास ही बद्री ने यह फ्लैट छोड़ दिया था और मई में ही श्रद्धा का मर्डर हुआ था। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, ये फ्लैट देखिए जहां पर आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस आई थी जब अरेस्ट किया था, और ये जो फ्लैट है, फ्लैट के ठीक सामने की तरफ, अभिषेक आपको दिखाएंगे, ये फ्लैट है, फ्लैट के सामने मैं मौजूद हूं और ठीक सामने की तरफ अगर देखिए तो वो फॉरेस्ट एरिया है जहां से जो श्रद्धा की बॉडी के पीस मिले थे, टुकड़े मिले थे काफी ज्यादा, जिसको सीएफएसएल लैब के लिए भेजा गया। हम कहेंगे और सामने की तरफ आई, ये काफी शॉकिंग डिटेल है क्योंकि बद्री वो करैक्टर है जिससे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, बद्री वो करैक्टर है जिससे हिमाचल में श्रद्धा और आफ्ताब मिले और जिसके बाद छतरपुर इलाके में फ्लैट किराए पर लिया और 3 दिन बाद श्रद्धा का मर्डर हो गया। पूरा ये जो सामने की तरफ है पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ये भी बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने प्रॉपर रेकी की थी, तो रेकी करने के लिए सबसे जो आसान जगह है वो है बद्री का फ्लैट और ये भी छतरपुर इलाके में है जहां इंडिया टुडे की टीम इस वक्त मौजूद है। बद्री का ये फ्लैट है और इसी फ्लैट से कुछ दूरी पर वो भी फ्लैट है जहां श्रद्धा और आफ्ताब किराए पर रहते थे, जहां पर श्रद्धा का मर्डर हुआ, तो ये वो फ्लैट है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो लैंडलॉर्ड है उससे पूछताछ की है, जो आफ्ताब जिसको अरेस्ट किया गया उसको इस फ्लैट पे लाया गया था और मकान मालिक को आफ्ताब से इंटरेक्ट कराया गया। फिलहाल बद्री से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि देखिए ये ऐसी मिस्ट्री है कि इसमें पुलिस को भी बहुत कुछ सच पता नहीं है। पुलिस को ये भी नहीं पता है कि जो बॉडी के टुकड़े मिले हैं क्या वो श्रद्धा के हैं या नहीं है, ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है। शायद यही वजह कि आफ्ताब का अभी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद नार्को टेस्ट कराया जा रहा है, वाकई जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस लिए आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, किस लिए बॉडी के इतने टुकड़े किए, इतना खतरनाक, इतना हॉरिबल इंसिडेंट जो हुआ वो आखिर उसके पीछे मोटिव क्या था, आखिर असली वजह क्या थी, क्या सिर्फ आफ्ताब इस हत्याकांड में शामिल है या कोई और शामिल है? क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और जिस तरीके से लगातार पुलिस को अलग अलग बयान दे रहा है, उसके बाद लगातार जो आफ्ताब है उससे पूछताछ की जा रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है, अब नार्को टेस्ट की तैयारी है, लेकिन जिस बद्री को तलाश रही थी दिल्ली पुलिस वो इस फ्लैट में किराए पर रहता था। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कि इस फ्लैट से ठीक सामने वो फॉरेस्ट दिखता है जहां से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मिले थे, शायद यही वजह है कि बद्री से भी लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। बद्री वो करैक्टर है जिससे आफ्ताब और श्रद्धा हिमाचल में मिलते हैं और फिर दिल्ली आते हैं, क्योंकि दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था, तो क्या ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था, क्या बद्री एक मोहरा है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में, या बद्री बहुत कुछ जानता है? इन फैक्ट आफ्ताब गेट हेल्प फ्रॉम बद्री इज द क्वेश्चन। थैंक यू अरविंद फॉर ज्वाइनिंग।